वेलकम टू माय चैनल। और आज है गुगा नवमी और साथ में जो साधु महात्मा होते हैं उनकी जन्माष्टमी है आज, जो मतलब शिव जी की आराधना करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो उनकी आज शिव जी की कृष्ण जी की उपासना करते हैं या कृष्ण जी भक्ति करते हैं, तो आज है उन लोगों की जन्माष्टमी। तो जैसा कि मैं बताऊंगी आगे, और आज गुगा नवमी भी है, तो आज गुगा नवमी के लिए मैंने प्रिपरेशन करनी है। अभी सोहम को रेडी किया है, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल चला जाएगा, उसके बाद हम फटाफट सारी तैयारी करेंगे और फिर पूजा करेंगे। देन उसके बाद मेरा आगे का रूटीन शुरू होगा। शेड्यूल तो क्या ही बोलूँ, पर रूटीन कह सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल कुछ भी मेरा टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, ये नन्हे मन्ने बालकों के कारण है। तो चलो आज मैं दिखाऊंगी कि हम गुगा नवमी की पूजा कैसे करते हैं। तो स्टेट गाइस, अब मैं मतलब पूजा करूंगी गुगा नवमी की। तो ये मेरा तैयार है, देखो ये छोटे छोटे पूड़े हैं, 9 हैं और 2 मैंने बड़े बनाए और खीर बनाई। मैंने यहाँ पूजा की तैयारी कर ली और इस पर घी के थापे लगेंगे। तो चलो करते हैं पूजा। तो गाइज मैं जा रही हूँ ये मंदिर में देने जो मैंने बनाया था पूड़े और खीर। हमारे ना मोस्टली मेरे ससुराल में सारे जो भी मतलब कोई फेस्टिवल होता है तो ये बनता है खीर और पूड़े। तो चलो मैं जा रही हूँ ये देने और साथ में सोनू को भी लेके आऊँगी। बहुत तेज़ धूप है, मैंने आई थी जब जाते, देखो आप ये ड्रेस देखो। मेरे ससुराल में मतलब जो ये हम गुगा नवमी की पूजा जो करते हैं ना, तो इसको सिंगल ड्रेस में ही करना होता है। मुझे मेरी सास ने बताया था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताई थी ये बात कि जो ये गुगा नवमी की पूजा होती है सिंगल उसमें ही होती है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, पर एक सिंगल ड्रेस होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पहन लिया था। तो ये पता नहीं आप लोगों में होता है जो जो गुगा नवमी करते हैं, वो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों में भी ऐसा होता है क्या। तो गाइस मैं कितनी भी सफाई कर लूँ, मेरा घर हमेशा गंदा ही रहता है। आप देखो ये बिस्तर का हाल इन्होंने क्या किया है, क्या कुछ। तो चलो पहले इसको निपटाते हैं फिर बाहर निपटाएंगे। गाइस मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ कर दिए, किचन क्लीन कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। पसीना देखो कितना आ रहा है, बस मैंने बाल काम किए हैं, बाल सुलझाए हैं, मैं जा रही हूँ रेडी होने। और फिर उनके बाद देखो हमारा ये भी पड़ा हुआ, ये भी साफ़ करूँगी। मैंने पूरा साफ़ किया था, इन्होंने आप ही फिट कर दिया। तो फटाफट रेडी होती हूँ फिर आप सब। तो गाइस मैं गई थी केक की शॉप पे, पर वो अभी 5-10 मिनट लगेंगे एंड यहाँ गाड़ी में पंचर हो गया था, तो वो ठीक करवा रहे हैं। वो कह रहा 10 मिनट लगेंगे, मैं तो टाइम से बोल के आई थी, 4 बजे का बोल के आई थी मैं। तो बोलो राधे राधे। बाल इसके वो ठीक कर ना, नथनी बनाई है, अच्छे से बनाई है ना। ओके गाइस बाल ठीक कर इसके। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, जिम में लाइट गई हुई है, धीरे धीरे आपको दर्शन कराएंगे। और ये मिली है मेरी बहन से, मेरी इकलौती बहन है, देखने में मुझसे बड़ी लगती है, छोटी है। देखने में बड़ी नहीं लगती, सिर्फ हाइट में बड़ी लगती है, देखने में भी लगती है, तुझे लगती है, सिर्फ औरों को नहीं लगती। गरम कढ़ाई धई बा, गरम कढ़ाई कितने गरम कढ़ाई बा। चलो भाई चलते हैं। ये हमारे घर के बड़े और इकलौते दामाद, बड़े मेरे से बड़े। माचिस का जुगाड़ कर, माचिस का जुगाड़ नहीं, बुलेट बम फोड़ रहा हूँ। फिर ये मेरी प्रिय मम्मी, अरे आप देख रहे हैं बारिश होने वाला है। हेलो 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 हेलो, ये भी बारिश किया था शंभू।
दीप्ति को दीप्ति अपना टीका ठीक कर स्माइल मारो ना सारे सारे हंसो आपस में जोर से अभी सारे को सारी तू तू स्माइल करना तू क्यों ऐसे ये क्या हो रहा है ये हमें यहाँ पे बहुत भी चल चंद समय में आज का जो दिन है जिसको जहाँ की जगह मिले जिस किसी को भी जहाँ की जगह मिले सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए क्योंकि ये माँ का दर है मेरी भी बना दियो यार अब हम लोगों का टाइम हो गया है आरती का भगवान का आइए पहले भगवान का आरती किया जाए फिर इस केक को काटा जाएगा आज ये शंभू जी का जन्मदिन है तो इसी उपलक्ष में एक केक काटा जाएगा और भगवान का भी जन्मदिन है तो आइए हम लोग आरती करते हैं आरती उठाया जाए आरती उठाओ भाई किसकी गोद मिलाओगे ओम कहा ओम ओम को बुलाओ
हरिओम आज तो वो